ये है दोस्तों ए फोर बी के कमाल स्टिचिंग। आप देखिए इसमें आप बेहतरीन स्टिचिंग कर सकते हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बदलाव कर सकते हो। ये देखिए है ना, ये है दोस्तों ए फोर बी। और यहाँ से आधुनिककरण की बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनें, एडवांस स्टैपिंग मोटर का अगर कोई पावर समझता है, उसके बारे में जानता है, तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ से पूरी तरह से चालू हो जाती है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि अपना स्टिचिंग टाँके की जो क्वालिटी है, एस्पेक्ट क्वालिटी है, स्टिचिंग क्वालिटी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। और साउंड मशीन में साउंड भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि स्टैपिंग मोटर से आप पौड़ी उठाएंगे आपको पता ही नहीं चलता कोई पौड़ी उठ गया, ये पौड़ी उड़ गई, टाँका चलेगा, सब कुछ बिल्कुल बहुत नहीं अच्छी तरीके से होता है। अभी जैसे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, ये चलाऊँगा फिर ये खुद ही चला है, पावड़ी खुद ही उठेंगी। जब हमको पावड़ी चाहिए तो पावड़ी, अगर मुझे सिर्फ ये देखो नीडल नीचे रखना है, पावड़ी उठाना है, तो ये भी फीचर है इसमें। पावड़ी की हाइट भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। अब मुझे फाइनली इसका पावड़ी उठाना है, धागा कट के, तो देखो पूरा पावड़ी उठ जाएगा, धागा भी कट जाएगा। इस टाइप का ये है दोस्तों, काफ़ी आधुनिक और बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है। आप देखेंगे इसकी हर चीज़ बेहतरीन है बिल्कुल पूरा। ये देखो स्विच भी इतनी आसानी से सबसे बन जाएगा, वाटर प्रूफ में कवर लगा हुआ है, वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ हो गया, तो ये चीज़ें क्या है, इसको लाइफ अच्छा देता है, जल्दी आसानी से स्विच खराब नहीं होती। ये है नीचे से देखेंगे आप, पूरा नीट एंड क्लीन फिटिंग है, कोई दुनिया भर नहीं है। दूसरा, इसमें पावड़ी उठाने के लिए सब पैर पर दिया है, इस पर यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका इंस्ट्रूमेंट ही नहीं आता। इसका वेट वार देखेंगे, इसका वेट भी आप देखेंगे तो काफ़ी वेट होता है, 36 किलो से ऊपर होता है, 42 किलो तक चले जाता है पूरा कंप्लीट 42 किलो का। ये है दोस्तों ए फोर बी के कमाल स्टिचिंग। आप देखिए इसमें आप बेहतरीन स्टिचिंग कर सकते हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बदलाव कर सकते हो। ये देखिए है ना, चीज़ों को बदलाव करके कंटिन्यूटी आप मोटी सिलाई भी कर सकते हो, पतली सिलाई भी कर सकते हो, नॉर्मल सिलाई। इसके काफ़ी वीडियो है मेरे चैनल में, जाइए सब तक वीडियो मिली, और ये भी मैंने एक वीडियो बना दिया। ओके दोस्तों, ये देखो अगर हमने जेड को, ये वाला जेड वाला की हमने यूज किया, तो इसमें सीधा चावल टाके जैसा, ये देखो दिख रहा है ना, अभी देखो अभी चला है, ड्रेस्ट हम चला के बताते हैं, जो मोटी पतली सब सिलाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, 2 टाके, 6 टाके, 8 टाके, ये देखो अजब की चीज़ है। अब हमने 3 टाके लेना है तो 3 टाका भी ले सकते हैं, 2 टाका लेना है कहीं बीच में गैप छोड़ के लेना है तो ये भी हो सकता है, और एकदम घना बिल्कुल गेहूँ टाके भी जैसे हैं। अब इसमें कप में अगर मारोगे तो अलग कलर में कितना प्यारा लगेगा, और इसमें दोनों साइड में ये देखो इधर में भी है, तो आपकी सिलाई जो है मैंने भी मोटे में सेट, आप मोटे होना ना, तो मोटे में सेट किया, पहले क्या पतले थे हमने इसको मोटा कर दिया है, मैंने वो कम से कम 9 बार स्टिचिंग खुद ही गुजारे, 7 बार स्टिचिंग खुद ही जा रही है, 7 स्टिचिंग का सिलाई है, एकदम बिल्कुल टाके के टाके भी, ठीक है ना। ये है दोस्तों, हाँ डबल 3333 आ गया ना, ये समझ जाना बेसिक सिलाई में आ गया, अब वो तुमने जो साइज सेट किया वो आ गया राइट। पीछे दबा ना, पैर पीछे दबा, हाँ आप चला, जब तक उसको पूरा स्टॉप नहीं करेगा, वो अभी भी प्रोग्राम में था ऐसा है ना, क्या बोलती मशीन, आई लव यू वाली मशीन है ये, बिल्कुल स्टेपिंग मोटर का यही कमाल है ऐसा है। और इसमें जो है यहाँ पे जो आगे पीछे करने के लिए जो यूज होता है मशीन का, यहाँ डाला जैसे मान लो उदाहरण के तौर में, ये देखो ये मशीन में लगा है पक्का करने के, बैक बॉल टेक करने के लिए, पीछे पीछे दबाने के लिए, टाका छोटा बड़ा करने के लिए, तो इसमें क्या हो गया है, ये मशीन में इनबिल्ड कर दिया गया है यहाँ से स्टेपिंग मोटर के थ्रू, उसी के वजह से कंप्यूटराइज होने की वजह से वो जब चाहे जब पीछे चले जाता है, जब चाहे जब आगे आ जाता है, तो है ना कमाल की बात।